तो हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेडीज बुलेट्स नंबर नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट, ये तीन पार्ट को हम लोग करेंगे। इन तीन पार्ट से क्या होता है कि आप अगर बुलेट्स चाहते हो, आप कोई भी चीज पॉइंट्स में लिखना चाहते हो, अगर आप कोई भी चीज पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? आपके लिए यहाँ पर है बुलेट्स अवेलेबल है, उन बुलेट्स को आप यूज कर सकते हो। जो रिसेंटली बुलेट्स अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। आपने मान लीजिए ये बुलेट लिया और आपको ये पसंद आया, आपने इसमें एंटर करा, एंटर करके लिखते गए। आपको जिस टाइम पे भी बुलेट्स की जरूरत ना पड़े बैक स्पेस दबाओ, एक बार और बैक स्पेस दबाओ, आप नॉर्मल मोड पे आ जाओ। आपने कहा सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये बुलेट मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी जगह पे मुझे कुछ और बुलेट चाहिए था, तो आप फिर यहाँ जाओ, यहाँ पे जाके बदल सकते हो। आपने कहा सर ये जो बुलेट है ये मुझे पसंद नहीं आ रहे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? तो इसके ऑप्शन भी आपके पास है, डिफाइंड न्यू बुलेट्स। आप यहाँ पे जाओगे, आपको कोई बुलेट सिंबल के फॉर्म में चाहिए तो आप सिंबल पे जाओ, और यहाँ पर जो रिसेंटली सिंबल इस्तेमाल करेंगे बुलेट्स की जगह पे तो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके काम के अधिकतर बुलेट्स कहाँ में मिलेंगे वो यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आप दबाओगे विंडिंग्स, क्या दबाओगे? विंडिंग्स। तो यहाँ पे विंडिंग्स में अधिकतर आपके काम के बुलेट्स दिख जाते हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, तो आप इस जगह पे आके ले सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं सर। आपने कहा सर ये समझ में नहीं आ रही मुझे बुलेट की कहानी, मुझे तो यहाँ पे कोई पिक्चर चाहिए, मेरी कंपनी का लोगो आना चाहिए एज अ बुलेट। मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी का एक लोगो आए यहाँ पे या कोई भी पिक्चर आए, तो आप यहाँ पे पिक्चर पे जाओ और कोई भी पिक्चर आपको चाहिए, आपको इंटरनेट से कोई पिक्चर लगा उठानी है तो नेट चल रहा होगा तो यहाँ पर आपके पास वो पेज खुल जाएगा नेट से कनेक्ट करने के लिए और वहां से आप पिक्चर ले सकते हो। आपने कहा नहीं भाई मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जो सेव करके मैंने रखा हुआ है, तो आप सेव करा हुआ भी यहाँ से ब्राउज करके उठा सकते हो, करेक्ट है ना? आपने कहा नहीं मुझे तो यहाँ पे चाहिए एक रोज, क्या चाहिए? रोज का बुलेट चाहिए, तो आपने सर्च करा यहाँ पर, और यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, तो आपने जैसे ये क्लिक करा और आपने इस पे क्लिक करा और इंसर्ट कर दिया, तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपकी बुलेट की फॉर्म में आ जाएगा। ये आ गया देखो, अब इस पर आप ओके करोगे ये बुलेट आ रहा है, ठीक है ना? नजर नहीं आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। अब आ रहा है सर, ठीक है ना? आप बुलेट की साइज भी बढ़ा सकते हो। क्लियर? तो आप इस तरीके से दे सकते हो बुलेट, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखो, तो बुलेट भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है कि अगर मेरे को बुलेट्स की जगह पे कोई नंबरिंग चाहिए, सर मैं तो नहीं चाहता हूँ बुलेट चाहिए मुझे, मुझे कोई नंबर चाहिए, नंबरिंग चाहिए, तो आप यहाँ से दे सकते हो। आप यहाँ पर नंबरिंग में टाइप करो। आपने कहा सर ये मुझे नंबरिंग वन से नहीं चाहिए थी, मुझे तो टेन से चाहिए थी। कितने से चाहिए थी? टेन से। तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जा करके इस पर क्लिक करो और डिफाइन नंबर फॉर्मेट या सेट नंबर वैल्यू, यहाँ पे क्लिक करा, आपको मैं यहाँ पे दिखा टेन। आपने कहा नहीं सर मुझे तो वन से चाहिए, तो आप यहाँ पे फिर से जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, सेट नंबर में चल जाओ। अगर आपको नंबर फॉर्मेटिंग बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो, जो भी नंबर फॉर्मेटिंग आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो इस जगह से, करेक्ट है ना? एक समस्या आती है एक बात की कि सर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अब मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कहा कनेक्शन तोड़ने के लिए बैक स्पेस दबाओ, फिर एक बार बैक स्पेस दबाओ, फिर एक बार बैक स्पेस दबाओ, तो आप फिर आ जाएगा। आपने यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ लिखा, तो मैंने आपको पैराग्राफ लिखने के लिए एक शॉर्टकट की बताई थी, एक पैराग्राफ लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर वन लिख देना, ठीक है? अगर वन नहीं लिखते हो पूरा ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ देते हो तो जितने पैराग्राफ इस कमांड में होते हैं सब आ जाते हैं। अब मुझे फिर से बुलेट चाहिए, नंबरिंग चाहिए, तो मैंने नंबरिंग जब ली तो यहाँ पे फिर टेन से स्टार्ट हो गया, या मुझे क्या कहाँ से स्टार्ट करना था? वन से, क्योंकि टेन से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वहां पे सेट कर रखा है टेन से स्टार्ट। मुझे तो कहाँ से स्टार्ट करना था? वन से, या मुझे स्टार्ट करना था फोर्टीन से, किससे स्टार्ट करना था? 14 से। मान लीजिए मुझे 14 से कनेक्ट बनाना था, तो ये एक बड़ी समस्या आ जाती है, चैलेंज तो ये आता है ना, ये तो मैं सीखना है, बाकी नंबरिंग तो मैं आती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और इसे क्या करते हो, कंटिन्यू नंबरिंग करते हो, क्या कर दोगे? कंटिन्यू नंबरिंग। तो कंटिन्यू नंबरिंग करोगे तो ऊपर से कंटिन्यू होती है। आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो भाई यहाँ से क्या करना है, स्टार्टेड 10 से करना है, तो स्टार्टेड 10 से कर दो। आपने कहा नहीं मुझे तो 1 से स्टार्ट करना है, तो सेट नंबर। तीनों चीजें यहीं से हो रही है,
नहीं समझ में आई बात पे? आ गया यहाँ तक डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं है? आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज क्या है इसमें? मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है आप, मल्टी लेवल लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें होता क्या है कि आप ये चाहते हो कि यार जो मैं कोई चीज लिख रहा हूँ वो मैं मल्टी लेवल्स में लिख रहा हूँ, लेवल्स वाइज लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं एमएस ऑफिस के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या एमएस ऑफिस, तो मैंने आपको बोला एमएस ऑफिस को मुझे हायरार्की वाइज समझाना है कि मैं एमएस ऑफिस में क्या क्या पढ़ाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे, ऐसे कंटेंट हायरार्की बनाना चाहते हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन इस्तेमाल कर लूंगा, जो भी फॉर्मेट मुझे चाहिए हो, जो मुझे अच्छा लग रहा हो मेरे हिसाब से। तो मैंने ये ले लिया और मेरे यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा एमएस ऑफिस, और जैसे मैंने एंटर करा, अब मैं चाहता हूँ इस लेवल के अंदर मेरे को एमएस ऑफिस के बारे में समझाना है कि मैं एमएस ऑफिस में क्या करूंगा, तो इसके लिए आप बटन दबाना है आपको, टैप बटन, क्या दबाना है? अगर इस लेवल के अंदर जाना है, टैप बटन पे पहुंच गए, पहुंच गया ना? तो इसमें मैं क्या पूछूंगा, यहाँ पे मैंने बताया कि वर्ड, एंटर करा, अब मैं क्या चाहता हूँ वर्ड के अंदर में क्या पढ़ाऊंगा वो बताना चाहता हूँ, तो क्या बताऊंगा? टैप। तो मैंने जैसे बताया पेज, फाइल टैप, ठीक है ना, एंटर मारा, प्रिंट, ठीक है, उसके बाद ठीक है ना, या मैंने बोला फॉन्ट, इस तरीके से मैंने लिखा। अब इसको मुझे मुझे क्या आना है, पीछे आना है, किस लेवल पे हूँ? सेकंड लेवल पे आना है, अभी मैं थर्ड लेवल पे हूँ, तो शिफ्ट के साथ टैप, शिफ्ट के साथ टैप बटन, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड पर टैप बटन होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप दबाओगे यहाँ पर पीछे लेवल पे आ जाएगा एक्सेल, क्लियर है? फिर आगे जाना है तो टैप, आप लिखोगे फिर पीछे आना है शिफ्ट है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हायरार्की लेवल है, अगर आप इसमें पीछे और आना चाहते हो तो यहाँ पे लिखे, कुछ और कोई दिक्कत नहीं। तो ये मल्टी लेवल है। सर एक चीज बताओ, ये मेरे को ना फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा कि मतलब फर्स्ट लेवल में वन आ रहा है, मुझे फर्स्ट लेवल में वन नहीं चाहिए, फर्स्ट लेवल में मुझे चाहिए ABCD, सेकेंड लेवल पे चाहिए 1 2 3, थर्ड लेवल पे चाहिए कोई बुलेट, मेरे हिसाब से डिजाइन, मुझे अपने हिसाब से डिजाइन करना है, तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ जाओ, डिफाइंड मल्टी लेवल लिस्ट। अब दो तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं आपको डिफाइन करने के, मैं दोनों तरीके बताता हूँ बनाने के। आप पहले नीचे वाला देखो या पहले ऊपर वाला देखते चलो, बस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, आप यहाँ पे जाओगे, आप डिसाइड करोगे कि फर्स्ट लेवल मुझे क्या चाहिए, ABCD, तो ये आ गया। सेकेंड लेवल पे सेलेक्ट करा मैंने, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 1 2 3। फोर्थ थर्ड लेवल पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोई बुलेट्स, तो आप यहाँ से बुलेट सर्च कर सकते हो, ये चाहिए, क्लियर है? करेक्ट है। इसके अलावा कोई पिक्चर चाहिए तो वो भी दिख रही थी वहां पर, और उसके अलावा कुछ और चाहिए तो आप यहाँ से जाके न्यू पिक्चर या न्यू बुलेट क्लिक करके कर ले सकते हो और ओके कर दो, क्लियर है? तो ये वही आ जाए, करेक्ट है ना? अब मान लीजिए मैंने ये डिलीट कर दिया, अब मुझे वही लेवल फिर से चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, मेरी बनाई हुई जो लिस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर है? अगर आपको एक नया बनाना है तो आप फिर चले जाओ यहाँ पर, तो मैंने नीचे से ऊपर वाला बताया था, नीचे वाले तरीका एक और है, इसमें थोड़े से ऑप्शंस ज्यादा आ जाते हैं। आप पहले तो स्टाइल का नाम दोगे जिस स्टाइल के थ्रू आप बनाना चाहते हो, जैसे आपने बोला ऑफिशियल स्टाइल, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे दोगे लेवल्स, कहाँ से स्टार्ट हो, वन से, वन से तो स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर लेवल्स, फर्स्ट लेवल पे क्या चाहिए आपको, तो आपने फर्स्ट लेवल पे बोला मुझे फर्स्ट लेवल पे ABCD चाहिए, करेक्ट है ना? दूसरे वाला आपने बोला फिर सेकंड लेवल, सेकंड लेवल पे क्या चाहिए, सेकंड लेवल पे आपको चाहिए 1 2 3 या कुछ भी और चीज चाहिए, या फिर आपने बोला सेकंड लेवल पे मुझे ये बुलेट चाहिए, क्लियर है? और थर्ड लेवल पे आपको क्या चाहिए, रोमन नंबर चाहिए, लेकिन रोमन नंबर जो लिखे हुए हैं वो कुछ उसका फॉन्ट इस तरीके का हो, साइज जो हो वो ये हो, करेक्ट है ना, 10 से हट करके हो, 16 हो, क्लियर है? और उसका कलर जो हो ब्लैक कलर का ना हो करके रेड कलर का, दिख रहा है ना? देखो ऐसे सैंपल दिखा भी रहे, इस स्टाइल को अप्लाई करने के लिए अगर आप शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो, या आपको कोई फॉर्मेटिंग कम पड़ती है तो भी, आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ से, यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारे और ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ से शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो, कि जैसे मैंने दे दी ऑल्ट के साथ ओ, जैसे आप मैंने ऑल्ट के साथ कोई, आप जब भी शॉर्टकट की दोगे तो कंट्रोल ऑल्ट या शिफ्ट के साथ दोगे, अगर ये शॉर्टकट की किसी दूसरी चीज के लिए असाइन पहले से हो रखा होगा तो यहां पर बता देगा,
अभी ये अनअसाइंड बता रहा है, इसमें किसी के लिए असाइन नहीं है, तो आप इसे असाइन कर सकते हो और इसे क्लोज कर दो और ओके कर दो, तो वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। डन, ठीक है ना, क्लियर समझ आ गया। तो ये हमारा तरीका हुआ मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई डाउट है तो मुझे बताओ पहले।